अच्छा, इस वक्त संबित पात्रा जी जुड़ गए हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। संबित जी, आपका स्वागत है। गुजरात में तो आपकी परिस्थिति बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, 141 के ऊपर। जब कैंपेन में 150 पार, 150 के आसपास की बात होती थी, बहुत लोग यकीन नहीं करते थे उस पर, लेकिन अभी तो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो। बीजेपी के और 3-4 सीटें बढ़ गई उधर, 150 की तरफ बढ़ रहे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, स्वामी रामदेव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, रजत जी भी हैं हमारे साथ। मैं आदरणीय स्वामी रामदेव जी को और माननीय रजत जी दोनों को ही नमस्कार करता हूँ, और सौरभ भाई आपको भी नमस्कार। और ये जो सुबह की खबर है गुजरात और हिमाचल, देखिए प्रेडिक्टेबल लाइंस पे है, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक तरह से जो हिंदुस्तान की राजनीति का ट्रेंड है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप सोच के देखिए, 27 वर्षों के पश्चात भी गुजरात में जिस प्रकार से एक रिकॉर्ड ब्रेक के साथ इस प्रकार का नतीजे आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं विकास की अंततोगत्वा जीत होती है और आपको लगातार परिश्रम करना है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। हिमाचल प्रदेश में भी जहां का रिवाज रहता था कि हर 5 वर्षों में सरकारें बदलती थी, और आज एक टक्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस फिलहाल चल रही है, मगर मुझे लगता है कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ेगी। जब ये रुझान जो हैं नतीजों में परिवर्तित होंगे, बैलेट पेपर्स की ओर बढ़ेंगे, अर्थात ईवीएम की ओर बढ़ेंगे। अभी तो कई जगह पे अभी ये कंसोलिडेट नहीं हुए हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये पॉलिटिकल ट्रेंड्स का बदलाव है, ये अपने आप में एक भविष्यकाल की राजनीति को मैं कहूंगा कि डिफाइन करता है, रीडिफाइन करता है कि पॉलिटिक्स किस प्रकार की होनी चाहिए। जी, और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें गुजरात में, संबित जी, तो अभी तक की अपनी शायद सबसे कम सीटों की ओर और शायद सबसे बुरी हार की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। अब इसमें कितना कांग्रेस पार्टी का अपना निष्क्रिय हो जाना वो फैक्टर है, या आम आदमी पार्टी का जो 10 के करीब सीटों पर लीड कर रही है और 14% के करीब वोट भी ले रही है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं तो आपको पूछना चाहूँगा कि आप बताइए, गुजरात में राहुल गांधी कितने कैंपेनिंग करने गए थे? गुजरात में जहाँ तक मैं ठीक हूँ, मुझे याद है, जहाँ तक 2 या 3 उन्होंने सभाएं की हैं, उससे अधिक सभाएं नहीं की हैं। कांग्रेस पार्टी ने खुद ही एक राजनीति छोड़ो यात्रा, अगर सही मायने में देखा जाए तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो वो कर रहे हैं, राजनीति छोड़ो यात्रा कि हमें राजनीति नहीं करना है, कैंपेन नहीं करना है, हमें विषय को रखना नहीं है। और मेधा पाटकर, जिस मेधा पाटकर ने एक तरह से विकास को अवरुद्ध करने का काम किया था, मेधा पाटकर को अपने भारत जोड़ो यात्रा में जिस दिन कांग्रेस लेके आई, ये नतीजे होने थे गुजरात में, ये एक तरह से स्पष्ट होता है। सौराष्ट्र के पूरे इलाके को देखिए, सौराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण विषय पानी का पहुँचना रहा। कई वर्षों तक सौराष्ट्र के लोगों का जिस प्रकार का महत्वपूर्ण विषय पानी रहा था, वहाँ पानी नहीं मिलता था, वहाँ लोग पानी के लिए त्रस्त रहते थे। नर्मदा बांध के पूरे योजना में नरेंद्र भाई मोदी जी को बतौर मुख्यमंत्री भी धरने में बैठना पड़ा था। धरने में बैठने के पश्चात उन्होंने डैम के हाइट को बढ़ाने में जिस प्रकार का एक भूमिका निभाया था, आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि राजनीति को बढ़ाने में वो काम आ रहा है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गई है, और मुझे लगता है जो अंग्रेजी में कहा जाता है कि देयर इज़ नो पॉइंट बीटिंग अ डेड हॉर्स, जो ऑलरेडी समाप्त हो रही है उसको मार के कोई लाभ नहीं है, तो ये कांग्रेस का भी एक डिफाइनिंग मूवमेंट है। थोड़ा लोगों का माइंड हल्का कर दो आप, कोई कांग्रेस को भी तो अपने चिरंजीवी होने का मंत्र क्या हो सकता है? आप बड़े विवेकी हो, वैसे तो अपने राजनीतिक दृष्टि से किसी शत्रु को चिरंजीवी को ही नहीं देखना चाहता, लेकिन ये यदि यही हालात रही, हिमाचल से भी आउट हो गए, राजस्थान में झगड़े बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस का वजूद बचेगा कि या कुछ है, कुछ मंत्र है उसके लिए? देखिए स्वामी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति में चिरंजीवी कोई अपने अपने विपक्ष को देखना नहीं चाहता है, मगर मैं स्वामी जी फिर भी कहूँगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो विपक्षी पार्टी है वो हमारी शत्रु नहीं है, वो विपक्षी है, और उनका सजीव होना, चिरंजीव होना, उनका सशक्त होना अनिवार्य है, होना चाहिए, किंतु उनको सशक्त करना, उनको चिरंजीव करने का मंत्र ये नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह और नड्डा जी तो नहीं देंगे। स्वयं को चिरंजीवी कैसे करना है, कौन से आसन करने से वो चिरंजीवी हो सकते हैं, किस प्रकार का अनुलोम विलोम करने से वो चिरंजीवी हो सकते हैं, सूर्यासन कितना करना चाहिए, यह तो उनके अंदर का विषय है। संबित जी, बीजेपी के बहुत सारे लोगों को लगता है कि राहुल गांधी जब तक वहां पर सुप्रीम लीडर है, बीजेपी का वो फायदा उठाते रहेंगे, तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी चिरंजीवी हो, मजबूत रहें, ताकि आपको फायदा मिलता रहे?
नहीं नहीं, माननीय रजत जी आपने बिल्कुल सही पूछा, सही बोला। देखिए राहुल गांधी लिटरली चिरंजीवी हो, उनको ईश्वर आशीर्वाद दें, वो अच्छा जिए, खुश रहें, इसमें कोई दो मत नहीं है। एज एन इंडिविजुअल मैं यही कहूँगा, किंतु जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राजनीति में राहुल गांधी क्या डिफाइन करते हैं, क्या परिभाषित करते हैं? वो परिवारवाद परिभाषित करते हैं, वो एंटाइटलमेंट परिभाषित करते हैं, वो ये परिभाषित करते हैं कि बिना पसीना बिना मेहनत के क्या राजनीति किया जा सकता है और किस प्रकार किया जा सकता है, ये परिभाषित करते हैं। और नरेंद्र मोदी, मैं बार बार कहता हूँ, पीएम का अर्थ केवल प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पी से पसीना और एम से मेहनत होता है। तो ये आप सोच के देखिए, आप ये गुजरात में जो नतीजे आ रहे हैं ये यूं ही नहीं आ रहे हैं। 27 वर्षों तक लगातार विकास, विकास को आगे बढ़ाना, और केवल विकास के साथ साथ विकास के विषयों को रखना नहीं, खुद नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता वो परिश्रम करता है, उस प्रकार के परिश्रम और उतना ही पसीना बहा करके जिस प्रकार की कैनवेसिंग, जिस प्रकार की कैंपेनिंग उन्होंने किया है, ये युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा सीख का विषय है। राहुल गांधी एक युवक होते हुए भी, अपने आप को वो युवक कहते हैं, ही कैन नॉट मैच, वो मोदी जी के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर इस विषय में पसीना और मेहनत में खड़े ही नहीं हो सकते। नहीं, समित जी, मैं गंभीरता से बात इसलिए कह रहा था, देखिए प्रधानमंत्री कैसे होंगे। देखिए गुजरात में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा संगठन है, पिछले चुनाव तक कांग्रेस पार्टी बीजेपी को जबरदस्त टक्कर देती रही, 77 सीटें जीती थी, बीजेपी की 99 सीटें थी। राहुल गांधी वहां नहीं गए, आपको भी लगता है कि इसका कांग्रेस को नुकसान हुआ? राहुल गांधी अपनी यात्रा अगर गुजरात से निकालते, वहाँ कैंपेन करते, मेहनत करते, तो शायद कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलती। और ये सर्वसमावेशी जो एक पूरा उनको टोला दिखाना होता है कि हम सर्वसमावेशी हैं, उसमें कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट, एंटी सनातन एलिमेंट, कुछ इस तरह के पता नहीं कैसे, मतलब फिर उनका वो जो है हजमा ख़राब हो जाता है फिर। तो ये कुछ बड़े बड़े ब्लेंडर गलतियाँ तो कर रहे हैं कांग्रेसी, वो सब राष्ट्र के हित में या बीजेपी के हित में है। रजत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि क्या राहुल जी के गुजरात जाने से कुछ इजाफा होता कांग्रेस के नतीजों में। मुझे लगता है कि उल्टा हो सकता है। आज जो नतीजे देख रहे हैं, 27 सीट पे अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी है गुजरात में, हो सकता है ये 27 के 20 हो जाते या 15 हो जाते। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। अगर राहुल गांधी जी अधिक कैंपेन करते, आपने देखा होगा जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में मुख्यमंत्री थे, इस चुनाव से पहले पंजाब में एक तरह से राहुल गांधी जी की एंट्री को उन्होंने बैन कर रखा था कि आप मत आइए, आप नहीं आएंगे तो हम सरकार में दोबारा आने की हमारी संभावना बढ़ जाती है, तो आप मत आइए। कई राज्यों ने इस प्रकार के भाव प्रकट किए थे कि आप मत आइए तो हो सकता है हमारा अच्छा होगा। मगर उद्देश्य मेरा कहने का ये नहीं है कि उनके आने से फायदा होता या नुकसान होता। मेहनत परिश्रम जो पार्टी को लीड करता है, पार्टी का पूर्व अध्यक्ष, पार्टी का सबसे बड़ा नेता, अगर वो परिश्रम नहीं करता है तो पार्टी के जो नीचे के नेता होते हैं, पार्टी के जो बूथ स्तर के नेता होते हैं, वो भी परिश्रम नहीं करते। आज आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जिस प्रकार का परिश्रम कर रहे हैं, हम लोगों को भी शर्म आ जाती है कि हम उनसे आयु में कम होने के बावजूद भी क्या हम इतना परिश्रम कर रहे हैं। हम भी अपने आप को उस कसौटी में खड़ा करके देखते हैं, हर कार्यकर्ता अपने आप को प्रधानमंत्री के कसौटी पे खड़ा करके देखता है कि अगर ये इतना परिश्रम कर सकते हैं माननीय मोदी जी, तो हम क्यों नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।